हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपने हॉलीडेज अच्छे से स्पेंड की होंगी, पेरेंट्स को खूब परेशान किया होगा बेटा। नाउ अगेन वेलकम इन 8th क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सिविक्स का, चैप्टर 4, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट होता है संसद, और संसद क्या होता है, जहाँ पर देश के कानून बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीन लोगों से मिलकर बनता है, तीन बॉडी से मिलकर बनता है पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट क्या होता है बेटा, पार्लियामेंट क्या काम करता है कि देश की जो गवर्नमेंट होती है, देश की जो सरकार होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है पार्लियामेंट, ठीक है बेटा। और पार्लियामेंट इज द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द कंट्री। क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर चुने हुए लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, उनको हम ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम संसद भी कहते हैं। और इसका जो मेन हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट। अब नीड ऑफ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, टू क्रिएट एंड मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। हम कैसे, इसकी जरूरत क्यों है पार्लियामेंट की, कि पूरे देश में जो कानून बनाए जाते हैं उनको संभाला जाता है, मैनेज जो किया जाता है वो पार्लियामेंट के ही द्वारा किया जाता है। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिक्टेटरशिप, अगर कहीं पर डिक्टेटरशिप के चांसेस बनते हैं तो उसको रिड्यूस भी पार्लियामेंट में किया जाता है। किसी भी तरह का कोई कानून बनता है वो भी पार्लियामेंट में बनाया जाता है। लोगों के बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं, मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी बिल की ज़रूरत है, किसी गलत बात को अनफॉलो करने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में जो डिस्कस होता है, उसके बारे में जो डिसीजन लिए जाते हैं, डिस्कस किया जाता है, डिबेट्स जो होती हैं वो भी हमारी पार्लियामेंट में ही की जाती हैं। पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट है वो किस तरह का सिस्टम है, क्या क्या होता है, कैसा सिस्टम है, ये देखो मैंने अभी आपको बताया था ना बेटा, जो पार्लियामेंट होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉडी होती है ये, वो ओनली कानून बनाने के लिए होती है बेटा। अब मैंने अभी आप डिस्कस जैसे हमने किया था बेटा, एक होती है इसमें लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो हेड हो गए हमारे। अब लोकसभा क्या चीज होती है, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। टू अब जो लोकसभा होती है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक के द्वारा, हमारे द्वारा ही चुनकर लोकसभा में जाते हैं, ओके। और उनकी जो एज होती है वो मिनिमम 18 इयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो 552 होते हैं, है ना। और वैसे कितने होते हैं बेटा, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा ज़्यादा हो सकते हैं, बट अभी क्या है, हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो 543 होते हैं प्लस 2, यानी जो दो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, नॉमिनेट्स करते हैं कितने मेंबर्स, 2 मेंबर्स को, ओके बेटा, समझ आ गया। फिर से बता देती हूँ मैं, लोकसभा राज्य जो लोकसभा होती है वो लोअर हाउस होता है, ठीक है, और हाउस ऑफ पीपल भी कहा गया उसको बेटा, यहाँ पर लिखा होगा कि हाउस ऑफ पीपल भी बोला गया है इसको, लोअर हाउस भी बोला गया है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 543 होते हैं, ठीक है, और 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे द्वारा ही चुनकर लोकसभा में जाते हैं, और उनकी जो मिनिमम एज होती है वो 18 ईयर्स से शुरू हो जाती है वोटिंग करनी।
ओके बेटा। फिर इसके अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा में एक प्रेजिडिंग ऑफिसर इलेक्ट किया जाता है जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर कहा जाता है। और लोकसभा जो होती है वो एक परमानेंट बॉडी नहीं होती कि एक बार चुन ली हमने तो वो हमेशा चलती ही रहेगी, हर 5 ईयर्स में इसका दोबारा से इलेक्शन होता है, फिर दोबारा से इसके चुनाव होते हैं, फिर उसमें जो भी पार्टी जीतती है और जिसके मैक्सिमम 272 वोट्स आते हैं, सीट्स आती हैं, वही पार्टी विनर मानी जाती है और वही देश को आगे बढ़ाती है और वही रूलिंग पार्टी भी कहलाती है। ठीक है बेटा, ये देखिए। अच्छा एक बात और बतानी है बेटा, जितना मैं चैप्टर आज आपको क्लियर करा दूंगी उसका साथ साथ बुक वर्क भी आप करते जाओगे और बुक वर्क करके रखते जाओगे, जब आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे आप अपने बुक वर्क के किए हुए की फोटो सेंड करोगे, ठीक है बेटा। ओके, अब हम कहाँ थे बेटा कि जो लोकसभा होती है उसमें मेंबर्स होते हैं, ये भी मैंने बताया था ना कि जिस भी पार्टी के, बहुत सी पार्टियां खड़ी होती हैं, ठीक है, नेशनल पार्टीज खड़ी होती हैं और उसमें जिस पार्टी के 272 या उससे ज़्यादा सीट्स आती हैं वही विनर पार्टी होती है और वो रूलिंग पार्टी कहलाती है और वो देश को आगे बढ़ाती है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो 272 प्लस इन लोकसभा गेव द नेम ऑफ लीडर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, जो उसी में से ही जो नेम होते हैं ना रूलिंग पार्टी के जो भी आते हैं आगे, उसमें से भी उसी में से अपॉइंट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और नेम ऑफ द लीडर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को नेम दिए जाते हैं जो विनर पार्टी के मेंबर्स होते हैं ना उनके नेम दिए जाते हैं, वो फिर वो चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन बनेगा। अब लोकसभा में जो लोग आते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है बेटा योग्यता, योग्यता क्या क्या होती है, क्या क्या हो सकती है कि वो जो क्वालिफाइंग होना चाहिए, एज बिकमिंग 25 ईयर्स का वो होना चाहिए, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। तीसरा क्या होता है बेटा, ही मस्ट बी अ वोटर पार्लियामेंट्री, किसी भी संसद की कंस्टिट्यूंसी होती है बेटा कानून बनाने की, जो कानून जहां पर बनते हैं वहां का वो वोटर रह चुका होना चाहिए बेटा, ठीक है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, वो किसी भी लाभ के पद पर यानी कहीं कहीं पर किसी ऑफिस वगैरह सरकारी ऑफिस में वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए, हिंसक वॉयलेंट हिंसक नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट यानी उसने किसी तरह का कोई पैसे का घपला ना किया हो, घोटाला ना किया हो, तभी वो क्या बन सकता है, लोकसभा का मेंबर बन सकता है, ठीक है। ही और शी शुड प्रोसेस ऑल दोज क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ टाइम टू टाइम, वो हर उस तरह की क्वालिफिकेशंस को डिजर्व करता हो जो पार्लियामेंट में बताई गई है टाइम टू टाइम। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, लोकसभा की जो एलिजिबिलिटी है लोकसभा के मेंबर्स की वो क्या होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये होता है, अभी हमने फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देंगे हम कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट 3 सीट से बना, मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के हेड होते हैं बेटा, ठीक है। और पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है, देश की सरकार को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। जिस देश में पार्लियामेंट होती है उस देश का जो कानून होता है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट होता है, स्थिर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में पार्लियामेंट होती है वहां की जो गवर्नमेंट होती है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाती है, इसलिए पार्लियामेंट किसी भी देश के लिए जरूरी होती है। आज के लिए इतना ही, इसके साथ साथ इसका बुक वर्क जरूर कर लेना, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब आपको मेरे पास सेंड करनी है, ओके।